हेलो स्टूडेंट्स बी एफ पार्ट वन सोशियोलॉजी फर्स्ट पेपर टुडे आवर टॉपिक इज इंस्टीट्यूशन मीन्स संस्था ओके इंस्टीट्यूशन आर द फॉर्म्स और कंडीशंस ऑफ प्रोसीडर ग्रुप एक्टिविटीज वाई मेकाइवर एंड पेज ओके तो इंस्टीट्यूट क्या होती है संस्था पेज ने बताया है कि संस्था सामूहिक क्रिया की विशेषता को संस्था सामूहिक संस्था जो होती है वो सामूहिक क्रिया की विशेषता को बताने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित रूप अथवा कार्य विधि को ही हम संस्था कहते हैं ओके okay? क्या होती है संस्था इंस्टीट्यूशन व्हाट इज इंस्टीट्यूशन तो सामूहिक क्रिया की विशेषता को बताने वाली मतलब सामूहिक क्रिया होती है उसकी विशेषता को बताने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित रूप अथवा कार्य विधि को ही हम क्या कहते हैं संस्था कहते हैं ओके इंस्टीट्यूशन आर द इस्टेब्लिश फॉर्म्स और कंडीशन ऑफ प्रोसीडर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज वाई मेकाइवर एंड पेस ओके अब नेक्स्ट है आपकी डेफिनेशन ऑन इंस्टीट्यूशन सोशल इंस्टीट्यूशन आर सेट्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन रिलेशनशिप इस्टेब्लिश्ड और इस्टेब्लिश्ड और सेंशन बाय द विल। ओके ये किसके द्वारा है ये वाली डेफिनेशन है रॉस के द्वारा रॉस के द्वारा सामाजिक संस्थाएं सामान्य इच्छा द्वारा स्वीकृत और स्थापित मानवीय संबंधों की संगठित व्यवस्था है। ओके, क्या है अकॉर्डिंग रॉस रॉस के अनुसार सोशल इंस्टीट्यूशन आर द सेट ऑफ ऑर्गेनाइज ह्यूमन रिलेशनशिप इस्टेब्लिश्ड और कॉमन विल ओके तो ये सामाजिक संस्थाएं सामान्य इच्छा द्वारा स्वीकृत ओके okay? मतलब क्या है सामान्य इच्छा द्वारा जो सामान्य इच्छाएं होती हैं, सामान्य इच्छा द्वारा स्वीकृत और स्थापित मानवीय संबंधों की संगठित व्यवस्था है ओके okay? तो इसे हम क्या बोलते हैं संस्था नाउ वी टेक द बैकग्राउंड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ओके okay. प्रतिदिन के वार्तालाप में हम संस्था शब्द का प्रयोग भी व्यक्तियों के किसी भी संगठन के लिए कर लेते हैं प्रतिदिन के वार्तालाप में मतलब प्रतिदिन रोज की जो हम बातें करते हैं उसमें संस्था शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के किसी भी मतलब व्यक्तियों के किसी भी संगठन के लिए कर ही लेते हैं समाजशास्त्रीय शास्त्रीय रूप से संस्था का अर्थ ऐसे विचारों से बिल्कुल भिन्न है

समाजशास्त्रीय रूप से हम देखें संस्था अर्थ तो ऐसे विचारों से है बिल्कुल भिन्न है ऐसे विचारों से बिल्कुल भिन्न है आरंभ में ही यह ध्यान रखना आवश्यक है कि संस्था व्यक्तियों का कोई संगठन होकर कुछ ऐसे नियमों अथवा कार्य प्रणालियों का बोध कराती है ओके ओके इन शॉर्टली वी कैन से स्थापित कार्य प्रणालियों इस्टिस्ड प्रोडक्ट प्रोसिडोर ऑफ बिहेवियर संक्षेप में व्यवहार की स्थापित कार्य प्रणालियों इस्टेब्लिश प्रोसिडर ऑफ बिहेवियर अथवा नियमों की समग्रता को ही संस्था कहा जाता है ओके इससे स्पष्ट होता है कि संस्थाएं ही समितियों की सफलता का आधार हैं दूसरे शब्दों में संस्थाएं ही समितियों के कार्य का निर्देशन करती हैं। इस दृष्टिकोण से विभिन्न परिभाषाओं के संदर्भ में संस्था के समाजशास्त्रीय अर्थ को समझना आवश्यक है ओके okay? ओके। okay? तो प्रतिदिन के वार्तालाप में हम संस्था शब्द का प्रयोग भी व्यक्तियों के किसी भी संगठन के लिए कर ही लेते हैं समाजशास्त्रीय रूप में संस्था का अर्थ ऐसे विचारों से बिल्कुल भिन्न है आरंभ में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि संस्था व्यक्तियों का कोई संगठन न होकर कुछ ऐसे नियमों अथवा कार्य प्रणालियों का बोध कराती हैं, जिनके माध्यम से हम विभिन्न संबंधों की स्थापना करते हैं यह ध्यान रखना आवश्यक है कि व्यक्तियों के संगठन के रूप में समितियां कभी भी मनमाने रूप से कार्य नहीं कर सकती ओके उन्हें अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक पूर्व निर्धारित कार्य प्रणाली तथा नियमों के अनुसार कार्य करना आवश्यक होता है। संक्षेप में व्यवहार की कार्य प्रणालियों इस्टिस्ड प्रोसीजर और बिहेवियर अथवा नियमों की समग्रता को ही संस्था कहते हैं तो व्यवहार की स्थापित कार्य प्रणालियों अथवा नियमों की समग्रता को ही हम क्या कहते हैं संस्था कहते हैं इससे इस स्पष्ट होता है कि संस्थाएं ही समितियों की सफलता का आधार है इन द अदर वर्ड वी कैन से दैट संस्थाएं ही समितियों के कार्य का निर्देशन करती हैं ओके okay? क्या करती हैं संस्थाएं है? समितियों के कार्य का निर्देशन करती हैं इस दृष्टिकोण से विभिन्न परिभाषाओं के संदर्भ में संस्था के समाजशास्त्रीय अर्थ को समझना आवश्यक है ओके okay? तो ये हो गया आपका इंस्टीट्यूशन अब हम समझते हैं डेफिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन के ओके okay? क्या समझेंगे डेफिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू द मेकाइवर तथा पेस

Page, में पेज मेका पेज जो कि एक समाजशास्त्री है okay? इन्होंने कहा है सामूहिक क्रिया की विशेषता को बताने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित रूप अथवा कार्य विधि को ही हम संस्था कहते हैं मेकाइवे कह पेज ने क्या कहा है कि सामूहिक क्रिया की विशेषता को बताने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित रूप अथवा कार्य विधि को हम क्या कहते हैं संस्था कहते हैं ओके अब नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी रॉस के अनुसार रॉस के अनुसार सामाजिक संस्थाएं सामान्य इच्छा द्वारा स्वीकृत और स्थापित मानवीय संबंधों की संगठित व्यवस्था है ओके तो रॉस के अनुसार सामाजिक संस्थाएं क्या है सामान्य इच्छा द्वारा स्वीकृत और स्थापित मानवीय संबंधों की संगठित व्यवस्था है क्या है ये सामान्य इच्छा द्वारा स्वीकृत और स्थापित मानवीय संबंधों की संगठित व्यवस्था है क्या संस्थाएं ओके अब नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी मैरल और एल्डिस मैरिल और एल्डिस सेज द डेफिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ओके तो मेरिल और एल्ड्रेस के अनुसार किसकी है अब की ये क्या कहते हैं सामाजिक संस्थाएं है. आचरण के वह प्रतिमान है जो मनुष्य की प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित हुए हैं ओके तो सामाजिक संस्थाएं क्या है आचरण के वह प्रतिमान है आचरण के क्या है वह प्रतिमान है ओके जो मनुष्य की प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित हुए हैं मतलब जो मनुष्य की मनुष्य की जो भी प्रमुख आवश्यकताएं होती हैं, तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित हुए हैं क्या संस्थाएं तो संस्थाएं क्या है सामाजिक संस्थाएं आचरणों के वह प्रतिमान है क्या है प्रतिमान है ये जो मनुष्य की प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित हुए हैं अब नेक्स्ट डेफिनेशन है स्माइलसन की स्माइलसन अकॉर्डिंग टू द स्माइलसन सेज अबाउट द इंस्टीट्यूशन ये कहते हैं स्माइलसन ने संस्था को कुछ निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित स्माइलसन ने संस्था को कुछ निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित एवं भूमिकाओं के पुंज को नियमित बनाने वाले नियमों के रूप में परिभाषित किया है तो इन्होंने ने संस्था को कुछ निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मतलब आवश्यकताएं भी कैसी हैं निश्चित हैं। तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित परिस्थितियों एवं भूमिकाओं के पुंज को नियमित बनाने वाले नियमों के रूप में परिभाषित किया है ओके okay? इसी तरह एंडरसन ने निष्कर्ष दिया है कि संस्थाएं कुछ आदर्श नियमों का संग्रह है जो हमारी सामाजिक क्रियाओं के प्रमुख पक्षों से समृद्ध होते हैं ओके okay? तो ये एंडरसन ने भी क्या कहा है संस्थाएं कुछ आदर्श नियमों का संग्रह है जो हमारी सामाजिक क्रियाओं के प्रमुख पक्षों से समृद्ध होते हैं कॉमनवेल ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एंड टूमारो टॉपिक होगा हमारा ऑफ इंस्टीट्यूशन संस्था की विशेषता है थैंक यू